मेरी टिकट सर, मेरी टिकट का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी बच्चे। सब बच्चे कहाँ बैठे, ना भीड़ लगेगा पीछे साइड में, चलो इधर, चलो आप लोग भी इधर आ जाओ सामने। इधर से लीजिए ना सर, इधर अच्छा आएगा, इधर जिस साइड से लीजिए फोटो। सर के भले नहीं आए लेकिन अच्छा इधर से लगेगा, मैं उधर से भी जीती सभी कैमरामैन तैयार। आप सभी देख सकते हैं हमारे मुख्य अतिथि सिस्टर मैरी टीके जी और हमारे प्रधानाध्यापक जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं और कुछ ही पलों में कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। और आप सभी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डेलिशियस डिशों का आनंद लेंगे। यहाँ बहुत तरह के डिशेस हैं, उसके सामने उनका मेन्यू भी रखा गया है कि उनका कितना प्राइस है और क्या है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आनंदमय आप इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। इस कुछ ही पल के बाद जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो हम फिर उधर आगे, हम लोग का रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम है और ये बहुत ही पावन दिन हमारा क्रिसमस से संध्या में हम लोग ये कार्यक्रम रखे। कृपया आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना योगदान देंगे। अब मैं हमारे प्रधानाध्यापक से आग्रह करता हूँ, मैं सिस्टर मैरी के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन उनके घर कमरों से कराए। आज जिस ढंग से इस कार्यक्रम का सभी देख सकते हैं कि बहुत और इस तरह से हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है। आप सभी सबसे पहले बारी बारी से हमारे मुख्य अतिथि सभी स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और सभी प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन करते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे और उनके मुख्य अतिथि अभिभावकों से आग्रह है, सभी बच्चों से आग्रह है कि आप भी इस स्टॉल का आनंद लें और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अत्यंत डिलीशियस व्यंजनों का यहाँ पे प्रबंध किया गया है, आप देख सकते हैं। और यह जैसा कि हमारे सर ने बताया बहुत ही पौष्टिक है और स्वास्थ्यवर्धक है, इसको खाने से किसी तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा और बच्चों का उत्साह वर्धन होगा और निखर के आएंगी। और हमारा कार्यक्रम में सिस्टर मैरी और प्रधानाध्यापक श्री बाल बपोति रत्नाकर जी कार्यक्रम में प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए उनका मनोरंजन करते हुए आप जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत व्यंजन बनाए गए हैं। पहले ही छोर पर खड़े हैं हमारी अध्यापिका ललिता जी और उनके बच्चों के द्वारा यहाँ झाल मोही का प्रबंध किया गया है, जो बहुत तरह तरह के मिर्चर्स और हरी हरे हरे धनिया पत्तियाँ, मिर्चा और बहुत तरह के मसाले नींबू प्याज आदि कटे हुए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है ये झाल मोही, हमारे झारखंड ही नहीं बल्कि हमारे देश में आज भी तो फेमस है और इस व्यंजन का हर जगह हर मसाले का स्थलों पर किया जाता है। और दूसरे स्टॉक पर है अच्छा राष्ट्रीय कक्षा तृतीय के छात्रगण और ये इनके द्वारा बनाया गया है गुलाब जामुन, जो कि दो आकार में उपलब्ध है, एक आपका बड़ा आकार है, छोटा आकार है, उम्मीद है इसका कीमत भी भिन्न होगा। बड़ा साइज का गुलाब जामुन का कीमत 10 रुपया, छोटे साइज का गुलाब जामुन 5 रुपया, बजट का कहीं से कोई समस्या नहीं है। तो अगले हम आते हैं यहाँ पे रखा गया है हाँ हम ही
प्याजी, प्याजी हमारे झारखंड हर बाजार में बिकने वाला अद्भुत व्यंजन है और ये बहुत ही अद्भुत तरीके से पकाया जाता है और इसका स्वाद भी। इस तरह से आप सभी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, आनंद लें। और प्याजी के बाद अगला ठीक है, हम लोग खाते हैं, आप लोग देखिएगा बस, ठीक है। दिख रहा है कहीं, देखिए ये क्लास फोर का है ना, ये क्लास थ्री का रसगुल्ला, ये है क्लास वन का, क्लास फोर चना ठाकुर। अरे कुछ आया इसमें, दिखाओ, आया कुछ नहीं है, शामिल ये फुचका नहीं है, प्याजी है। मैं कहाँ रहे, चटनी दिखाओ कैसे है, वो डाला है इसमें भी थोड़ा। ये है मैडम पानी पूरी का रस्सा है, ये गोला दूसरी दुनिया से। देखिए कितना हाथ से मलमल के बनाई है। ये है क्या रे, पकौड़ा कैसे लगा है भाव, 10 में 3 खिलाओ, 10 में 5 को बाहर मिलता है, 10 में 2 करो यार, ऐसे में घटा जाए, 10 में 2 करो। माइक ना बोलेगा, दिखाइए और ये आइटम है हमारे संत सोशल कॉलेज कॉलेज के ट्रेनरों के द्वारा और बहुत ही अद्भुत बहुत प्रकार के मसाले धनिया काला नमक मिर्च और बहुत ही प्यारा सा मिला हुआ है खाने का, बहुत ही अद्भुत और चटनी रखी हुई है और चटनियाँ भी हैं खाने के लिए। और हाँ अरे मारियो, अरे चाट खिलाइए चाट, चलिए कस्टमर आ गया, साठ बजिएगा थोड़ा सा देखिए चालू हो गया, देख रहे ना, हम तो खा गए हैं, अरे खोलो जल्दी खोलो, ये तो आपके बगल में थे, देख लीजिए पेपर में ढको, जल्दी से जल्दी फटाफट लगाओ जी, फटाफट लगाओ जल्दी जल्दी, ठीक है देख लिए ना, क्या और देखना है। देखिए सर चना दाल से बनाया गया है, उस दाल की जगह पर इसको हर कोई खा सकते हैं, बुजुर्ग खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं,